छावनी थाना पुलिस ने संतोषी पारा वार्ड क्रमांक 33 में बने मंदिर में स्थापित माता की प्रतिमा को खंडित करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ छावनी थाना पुलिस विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही कर रही है। छावनी थाना पुलिस ने 24 घंटे के अंदर देवी प्रतिमा खंडित करने के आरोपी रोहित सिंह लोहिया निवासी शारदापारा न्यू गणेश चौक कैंप 2 भिलाई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने वार्ड 33 संतोषी पारा में स्थित मंदिर में स्थापित माता पार्वती की प्रतिमा को खंडित कर दिया था। इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में छावनी थाना प्रभारी सोनल ग्वाल ने मामले में संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास तेज कर दिए और अंततः आरोपी रोहित सिंह लोहिया शारदापारा न्यू गणेश चौक निवासी कैंप 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे मामले की जानकारी छावनी थाना प्रभारी सोनल ग्वाल ने दी। ये 12 को हमको सूचना मिली थी, वहाँ शिव भगवान की प्रतिमा संतोषी नगर गणेश नगर चौक में, वहाँ भगवान की मूर्ति है, उनको खंडित किया गया था। इस मामले में हम लोग एफ आई आर भी किए थे और एफ आई आर करने के बाद मौके पर जब पहुँचे तो घटना सही पाए भी थे। वहाँ के लोगों से पूछताछ से और आस पास के जो कैमराज हैं उनको चेक करने पर हम संदेह के बारे में जानकारी मिली और उस क्लू के आधार पर हम उन्हें अभिरक्षा में लिया गया, जिसके बाद उसने अपराध कबूल भी किया और इसमें एक व्यक्ति जो रोहित है उनको अरेस्ट करके इस मामले में गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ज़्यादा उसके पूर्व में तो नहीं बताया गया, इस घटना के बारे में बताया गया और तत्काल इसको अरेस्ट करके विधि सम्मत कार्रवाई की गई। बहरहाल देवी प्रतिमा को खंडित करने वाले आरोपी को 24 घंटे में गिरफ्तार कर छावनी थाना पुलिस ने सराहनीय कार्य किया है। अब 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग में बने मंदिर में स्थापित की गई बजरंग बली की प्रतिमा को खंडित करने का आरोपी कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ता है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।